Welcome dear students, again. In last video, we have solved the problems up to 20. So in this video, we will solve the problems from 21 to 25. Today, 21 ka problem kya hai? In a potentiometer experiment for measuring the EMF of cell, the null point is at 480 centimeter. So L1 kitna diya hai? 480 centimeter. When we have a 400 ohm resistor in series with the cell and galvanometer, if the series resistance is reduced to half, the null point will be at. So, pehle R diya tha 400. Abhi isko kitna kiya? Half kiya, uska 200 kiya. So, null point kitna ho jayega? Matlab L2 kitna ho jayega? Okay. Cell badla hai kya? Cell to nahi badla hai. तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा. तो यहां पे अगर हम सेल नहीं बदलते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा. इफ आर इज केप्ट कांस्टेंट, आर इज केप्ट कांस्टेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देन आपका उसके ऊपर इंपैक्ट कुछ नहीं होगा. तो नल पॉइंट के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं चलेगा. तो आपका नल पॉइंट फिर से आएगा 480 सेंटीमीटर. सो देयर इज नो चेंज ऑन द नल पॉइंट. ये ध्यान में रखो, क्योंकि मैंने बैटरी चेंज नहीं किया है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. सो आप ऐसे भी कर सकते हो, E1 upon E2 is L1 upon L2, वो भी इंडिपेंडेंट है. तो E1 upon E2 अगर 1 है तो L1 upon L2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाना चाहिए. अगर 1 हो जाना चाहिए, L1 480 है तो L2 भी 480 ही रहना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. नाउ अभी देखो ये क्यों दिया है. मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल बताया. हाँ, मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताया होगा तो आपका दो टाइम को आपका अलग अलग आ जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. अभी क्वेश्चन नंबर, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21. इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी आएगा आपका. अभी 22 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको क्या दिया है, ये लिख के ले लो बेटा. विटस्टस नेटवर्क P इज इक्वल टू 2 ओम. P कितना दिया है? 2 ओम. Q कितना दिया है बेटा? 2 ओम. R दिया है 2 ओम एंड S दिया है 3 ओम. द रेजिस्टेंस व्हिच S इज टू बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज मे बी बैलेंस्ड. एकदम सिंपल है, डायग्राम बना के लो. एक सिंपल सा अच्छा वाला डायग्राम बना के लो. डायग्राम में क्या करो, अभी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नहीं है उसमें. 21 को ऑप्शन नहीं है, उसका आंसर 480 है. सॉरी, मेरे पास वो ऑप्शन वाला भी था तो मेरे को लगा ऑप्शन क्या. ठीक है, अभी P दिया है ना, PQRS दिया है ना. ठीक है, वो करते हैं. इसको बोलते हैं PQRS. इसको बोला 2 ओम, इसको बोला 2 ओम, इसको बोला 2 ओम, इसको बोला 3 ओम. तो फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज व्हाट वी रिक्वायर, P/Q इज इक्वल टू R/S. लेकिन S तो 3 है तो यहाँ पे 2/3 सेम नहीं होगा. तो यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लिया, उसको बोलता हूँ मैं एक्स. तो इधर लिखता हूँ एस पैरेलल एक्स. अभी बैलेंस हो जाएगा. कितना करना है वो मालूम नहीं है तो मैं वैल्यू डालता हूँ. 2/2 इज इक्वल टू 2/3 पैरेलल एक्स. ये होगा 1. सो इधर जाएगा 3 पैरेलल एक्स विल बी 2. यहाँ पे कितना आएगा देखो बेटा, 3 पैरेलल. सो 3x अपॉन 3 प्लस x इज इक्वल टू 2. आ गया बेटा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह है अपने पास. सो राइट ओवर हियर. एकदम सिंपल है बेटा. 3x कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 प्लस 2 × x 2x. 3x − 2x विल बी इक्वल टू 6 ओम. तो आपका देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, 6 ओम. यस. अभी 23 देखते, ये आप अपने पास नोट डाउन करके लो.
अभी हम लेते हैं 23। बेटा 23 में क्या है, 23 में आपको पोटेंशियोमीटर दिया है, बैलेंसिंग विथ अ सेल एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। L1 दिया है 240 सेंटीमीटर। ऑन सेंटिंग द सेल विद रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम, R कितना दिया है 2 ओहम, द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120 सेंटीमीटर। R कितना है, तो R का फॉर्मूला है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, तो कितना आएगा 240 अपॉन 120 माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो R आपका R कितना हो जाएगा 2 ओम। तो आपका 23 का आंसर कितना आएगा 2 ओम आएगा, चेक करो एक बार 23 का आ रहा है 2। अभी 24 आपको क्या दिया है 24 को, यहाँ पे वायर ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन सच दैट इट्स डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ, D2 इज इक्वल टू D1 बाय 2। इफ द इनिशियल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, इट्स रेजिस्टेंस वुड बी, वेरी सिंपल, डायमीटर रिड्यूस किया, आपको मालूम है A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। और ये इक्वेशन नंबर 1, A इज प्रोपोर्शनल टू D2, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 ब्रैकेट स्क्वायर। और यहां से क्या आएगा, L1 अपॉन L2 विल बी A2 बाय A1। तो R कैसे आता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, रो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 अपॉन रो L2, रो कैंसिल हो जाएगा, अभी मेरा कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 विल बी L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ये भी करने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको नोट 3 दिया था, नोट 3 का यूज करो, जिनको फटाफट करना है ये नोट 3 का यूज कर सकते, नोट 3 में डायरेक्टली दिया था, फिर भी आपके लिए मैं पढ़ा देता हूँ। R1 बाय R2, L1 बाय L2 कितना लिखा मैंने, A2 बाय A1, A2 बाय A1 इंटू A2 बाय A1, तो ये बन जाएगा A2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं A2 बाय A1 होल स्क्वायर। A2 बाय A1 मैंने कितना निकाला है, D1 बाय D2 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी D2 बाय D1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि A1 बाय A2 D1 बाय D2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो A2 बाय A1 D2 बाय D1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। D2 बाय D1 कितना है, यहाँ पे मैंने D2 बाय D1 D1 को इधर लाया, तो आएगा 1 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो इतना ये कितना हो जाएगा 1 बाय 4। तो मेरा आंसर कितना आएगा, अभी मेरा आंसर आएगा A2 बाय R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, R1 बाय R2 कितना आएगा 1 बाय 4, तो R2 कितना बन जाएगा 4R1, 4 इंटू R1 10 है तो 40 बन जाएगा। अरे आंसर कितना है आपका, ओके आंसर आपका है 160। एक मिनट ना देखता हूँ मैं, एक ही मिनट, डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ ना, सो A2 बाय A1, हाँ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, D1 बाय D2 ब्रैकेट स्क्वायर ना, हाँ एक मिनट, बराबर है यहाँ पे, बराबर है A1 बाय A2 D1 बाय D2 ब्रैकेट स्क्वायर ना, मतलब A2 बाय A1 कितना बन जाएगा D2 बाय D1 ब्रैकेट स्क्वायर, उसका स्क्वायर बन जाएगा, बराबर है तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 का स्क्वायर, मतलब 1 बाय 16 हो जाएगा, बराबर 16, तो ये हो जाएगा 16 × 10, बराबर ये 160 आ जाएगा, R2 विल बी
160. यहाँ पे ए टू बाई ए वन ऑलरेडी डी वन बाई डी टू का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर रेस टू फोर हो जाएगा. हाँ, चार का फिर से स्क्वायर बन. ओके, और देखते हैं अभी 25 लास्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस. ओके, मुझे डायग्राम निकालना पड़ेगा पहले. यहाँ पे कितना दिया आपको? 24 ओम दिया. यहाँ पे आपको दिया है 8 ओम. सो ये 3 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम, ये 60 ओम, ये हो गया आपका 48 वोल्ट. ये 8 ओम हो गया, ये 24 ओम हो गया. यहाँ पे कितना है? 1 ओम. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर इज 48 वोल्ट. द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी. सिंपल है बेटा एकदम. वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी. पहले क्या करो, ये जो दो है 60-30, ओके, और ये भी, ये तीनों को इकट्ठा करो. 60-30-20 का पैरेलल ले लो. तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 60-30-20 का पूरा पैरेलल ले लो. तो ये कितना बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा. देखो बेटा अभी, हाँ, ये ए बन जाएगा. इसके बाद ठीक से देखो बेटा, 3 ओम बन जाएगा. यहाँ पे लेता हूँ मैं डायरेक्टली ये अपना कितना 60 पैरेलल 30 पैरेलल 20 ये लेता हूँ. ये तीनों का मिला के वही पे मैं क्या लेता हूँ, ये 24 और ये 8 ओम लेता हूँ क्योंकि वो पैरेलल में है. तो ये मैं सर्किट ऐसे भी बना सकता हूँ, 8 ओम 24 ओम. और ये दिया अपन को 48. तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है. तो अगर ये 48 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 48 ही हो जाएगा, बराबर. और बाद में कितना है? 1 ओम है. तो नो प्रॉब्लम, ये 1 ओम. तो भी इसका अभी आंसर निकालते हैं. 60-30-20, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 1800 प्लस 600 प्लस 1200. ये कितना बन गया? इसका वैल्यू कितना बन गया? 1, 2, 3, ये कितना बन गया? 2 0 बन गया, 10 बजे. तो मतलब ये इसका वैल्यू आया 10. तो अगर ये 10 आया इसका वैल्यू, तो 10 + 3 ये 13 हो गया, बराबर. और ये 1 हो गया नीचे. तो अभी इसको आराम से ऐसे निकाल, इसको ए बोलो. ए के बाद में क्या करो, ये 10 + 3 इसको बोलो 13 ओम. ठीक से देखो, 13 ओम करो. बाद में यहाँ पे इसको 8 बोलो, इसको 24 बोलो. जस्ट चेक वेदर यू आर गेटिंग लास्ट वन चेक इट वेदर इट इज 1 ओम, 8 ओम, 24 ओम. तो ये आपको दिया है 48 वोल्ट, बराबर. ये भी 48 वोल्ट है. और आपको पूछा क्या है उन्होंने? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या करो, ये 48 वोल्ट है, ये 8 ओम है. तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? I इज इक्वल टू 48 अपॉन 8, सो 6 हो जाएगा, 6 एम्पियर. I1 बोलो इसको, I1 कितना मिल गया? 6. और I2 कितना मिल जाएगा आपको? I2 मिल जाएगा 48 by 24, मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा. और दोनों का मिला के कितना आएगा? 6 + 2
8. तो I total will be 6 plus 2, that is 8 ampere हो जाएगा. मुझे total current मिल गया, तो V is equal to I into R equivalent. I मिल गया 8 into R equivalent. कैसे निकलोगे? ये 13 है, ये 1, ये 14 हो गया. तो R equivalent बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो, ये 13 plus 1, ये 14 बन गया, plus ये 24 parallel 8. So 24 into 8 upon 24 plus 8. ये बन गया 14 plus ये 14 ये कितना आ रहा है देखो आपका. सिक्स आ रहा है. सो 20 आ रहा है. 20 ओम आ रहा है. अगर ये 20 ओम आ रहा है तो आपका 160 वोल्ट आएगा आपका वोल्टेज. आपका वोल्टेज आएगा 160 वोल्ट. आंसर देखो आप एक बार चेक करो. या 160 आ रहा है. अरे यार मैंने क्या कुछ गलत दिया है. 486 टू 160. हाँ ठीक है, अगर आपका 160 मतलब उस 158 के करीब आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बराबर है आपका आंसर. दैट आंसर इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन. वीडियो 1 वाज देयर, नाउ दिस इज द वीडियो 2. सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर आपको कुछ दिक्कत है तो यू मे आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप. थैंक यू.